हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम थर्मल प्रिंटर जो HDFC BC पोर्टल पर हम यूज़ करेंगे। कुछ दिन से अपने बात चल रही है कि कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाए, कौन सा प्रिंटर लिया जाए। तो मैंने होइंस का प्रिंटर लिया है, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस बॉक्स में ये देखिए आप, मैंने अमेजोन से इसे परचेस किया है और मेरा ये इन्वॉइस है इस पर, और अमेजोन से मैंने परचेस किया है। फ्लिपकार्ट से हमारे यहाँ डिलीवरी है उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इसे अमेजोन से परचेज़ किया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। एक तो 80 पोज का था, 8 पोज जो है वो मैंने सबसे पहले परचेज़ करने की कोशिश की थी। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जो लोग यूज़ कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आप होइंस का लीजिए, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं कौन सा प्रिंटर ज़्यादा बेस्ट निकलता है। एक ही मैंने अनबॉक्सिंग, यह रहा हमारा प्रिंटर का छोटा वाला बॉक्स। आप देख रहे हैं इस पर टेक्निकल सपोर्ट का हमें नंबर दिया हुआ है, मिनी रिसिप्ट प्रिंटर है ये। इसका मॉडल है होप H58 mm का, इसमें वो चलता है क्या कहते हैं रोल, इसे हम हटा देते हैं। इसमें देखिए कुछ इनबॉक्स दिया है हमें, आप देख रहे हैं ये होइंस का प्रिंटर है और इसके कुछ रूल्स हैं ये। और ये बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे बताया गया था कि आपको फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसका ये मुझे डिटेल दी गई है। और ये मेरे प्रिंटर का यूज़र मैनुअल है, इसमें हम प्रिंटर के बारे में देख सकते हैं हम कि हमें क्या से कैसे करना चाहिए, कैसे इंस्टॉल हम करेंगे। इसमें मैं पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं, आप देख रहे हैं मेरे पास CD है इसकी सॉफ्टवेयर की, फिर मैं इसका ड्राइवर भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इस पर यूज़र मैनुअल, ड्राइवर, सेटिंग टूल्स इसके बारे में बताया है, और इस पे लिखा मिनी रिसिप्ट प्रिंटर सीरीज़ का है ये। इस सिस्टम में मैं रखता हूँ और ये देखिए मेरा प्रिंटर ये बाहर आ चुका है, और देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इसकी पिन्नी को, मैं इस प्रिंटर की अनबॉक्सिंग करता हूँ। इसमें हमें मिला है एक प्रिंटर और एक टेस्टेड पेज, जो टेस्ट करके हमें मिला है कि इसकी प्रिंटेड कैसी है। आप देख रहे हैं इसकी प्रिंटेड सिस्टम ऐसी है, और जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो आपको, मुझे भी इसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट जो है मुझे पता चलेगा। इसके साथ हमें मिला है एक USB केबल प्रिंटर वाला, और एक पावर केबल, और कुछ हमें पेपर रोल दिया गया है जिसे हम टेस्टेड कर सकते हैं कि कितना इसमें कैसा इसका रिजल्ट आया, क्योंकि मेरे पास इस समय है नहीं, अब मैं लेके आऊँगा। अब हम इसकी जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें, ये इसमें दो पोर्ट दिए हैं, ये USB का है, ये पावर का है, और ये शायद मीटर के लिए हैं, और देखने में तो बहुत ही अच्छा है। और ये पावर ऑन ऑफ का है, ये इसमें कुछ लाइट दी हैं, और इसमें ये बटन दिया है फीड का, इसे पेपर जो है हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब हम अपने इसके होइंस प्रिंटर का जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए मुझे इसमें इन्होंने CD दिया है, CD को जो है मैं अपने सिस्टम में लगाऊंगा। जैसे मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप पर वर्क नहीं करता हूँ, मैं PC पर वर्क करता हूँ। PC पर मैंने CD लगाया, जैसे कि आपने देखा मैंने CD प्रिंटर पर लगा दिया। अब मैं DVI ड्राइव एच पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ड्राइवर ऑप्शन पर, फिर ड्राइवर पर जाऊंगा। जाने के बाद ये दिख रहा है आपको पोस 58 अब दिख रहा है सबसे ऊपर, मैं इसे इंस्टॉल करूंगा। जैसे मैंने इसे इंस्टॉल पर डबल क्लिक किया, आप देख रहे हैं मेरा ये इंस्टॉलेशन पर प्रोसेस में है, प्रोसेस में चल रहा है। कुछ सिस्टम स्लो होने के कारण आपको थोड़ा लेट दिख रहा होगा। अब देखिए ये इंग्लिश अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये टर्न कंडीशन होती है, आई हैव ए रीड टर्न कंडीशन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, और मेरा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। सेटअप इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपना BC पोर्टल लॉगिन कर लिया है, और मैंने अपनी इसमें बैलेंस इंक्वायरी भी कर ली है। मैं प्रिंट प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से काट देता हूँ। आपको 3 डॉट बने दिख रहे होंगे, मैं इन पर क्लिक करता हूँ और प्रिंट पर जाता हूँ। प्रिंट पर जाने के बाद मैं इसका पेज बड़ा कर देता हूँ, और पेज सेटिंग
पर जाना होगा आपको पेज सेटअप पर। आप यहाँ पर 55% 30 से 55% रख सकते हैं, जैसी आपको क्लेरिटी प्रिंट पर चाहिएगी। मैं इसमें आपको 55% पर दिखाता हूँ, और आपको फिर ये मार्ज सेटिंग पर जाना होगा। आप इसे सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। आपने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा कि मैं बैलेंस इंक्वायरी कर लिया हूँ। बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपना थर्मल प्रिंटर जो मेरा है पॉस 58 सीरीज का, मैं इस पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। आप मेरे प्रिंटर स्क्रीन में देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से ये प्रिंट निकालता है। आप देखिए मेरे बैलेंस इंक्वायरी की स्पीड निकल सकती है। आप मैं इसमें सेटिंग बता देता हूँ, अगर आप 55% पर सेटिंग रखते हैं तो आपका ये इतनी क्लियर आपकी स्लिप निकलेगी, और अगर आप 30% पर रखना चाहते हैं तो आपकी इतनी छोटी स्लिप निकलेगी। मैं सभी टेस्ट कर लिया हूँ जब से प्रिंटर मेरा आया है, और ये मेरी है 40% पर, और ये मेरी जो इस देख रहे हैं आप बड़ी वाली स्लिप, ये मेरी 55% पर है, और ये मेरी 50%, ये भी मेरी 55% पर है। आप मैं इतने सारे डेमो देख चुका हूँ इस प्रिंटर के, मुझे इसका रिजल्ट कुछ ठीक लगा। अगर हम परसेंट बढ़ा देते हैं तो उसका रिजल्ट ठीक है, अगर हम परसेंट कम कर देते हैं तो रिजल्ट इसका डाउन हो जाता है। मैं इतने सारे डेमो में स्लिप निकाला हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मेरी ऐसे ठीक ठाक प्रिंटर है। ये मैंने 1989 रुपये में ख़रीदा है, 1989 में रुपीज़ में मैंने इसे परचेस किया है अमेजोन से, और आज ही मेरे पास आया है। तो आशा करता हूँ कि मैंने अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड प्रिंट सेटिंग के बारे में आपको मैंने आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।